कैसे रोका जाएगा इन बढ़ते बलात्कारों को, कैसे रोका जाएगा इन बढ़ते बलात्कारों को, यह सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारों को, वाकई सोचना होगा। अगर नहीं सोचा तो जिस तरीके से देश में बलात्कार की घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से देश में गैंगरेप की घटनाएं घट रही है, कोलकाता हो, यूपी हो, बिहार हो, जगह जगह बेटियां लहू लुहान हो रही है, इज्जत लूटे जा रहे हैं और दरिंदे इज्जत लूटने के बाद मौत के घाट भी उतार दे रहे हैं। सत्ता में बैठे सरकारों को ये सोचना होगा कि आखिरकार कैसे रुकेगा ये, कैसे इस पर अंकुश लगेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई दरिंदगी के बाद आरोपी अब तक फरार है। कल टुडे बिहार न्यूज पर प्रमुखता से जब इस पूरे मामले को लेकर हमने बिहार के सत्ता और विपक्ष से सवाल पूछे, जब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए तो मुजफ्फरपुर की पुलिस भी एक्शन में दिखी। अब राजनीतिक दलों के ओर से भी प्रतिक्रियाएं ही नहीं आ रही है, बल्कि नेता ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं। और मैं ये जरूर आज कहूंगा आपसे, आप सभी दर्शकों से कहूंगा कि इस रिपोर्ट को उस जगह तक शेयर करके पहुंचाइए जहां से बेटियों को इंसाफ मिलने की कवायद शुरू हो जाए। उन सरकारों की आंखों में आंख डालकर आप भी सवाल पूछिए जिनके राज में बेटियों की इज्जत ही नहीं लूटी जा रही बल्कि हत्या कर दिया जा रहा है। आप सबका हम कैसे शुक्रगुजार करें कि आपने वो ताकत दी आज कि टुडे बिहार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जब सत्ता में बैठे लोगों से हमने सवाल पूछा, जब आपने उस वीडियो को आपने सत्ताधीशों तक पहुंचाया तो बिहार पुलिस बिहार में एक्शन में दिखने लगे। मुजफ्फरपुर के पारू की घटना को लेकर पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, इस कार्रवाई में देर जरूर हुई है लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर की पुलिस ने आरोपी संजय राय के घर पर बुलडोजर चलाया, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग माहौल बना रहे कि बिहार की सरकार बुलडोजर चला रही है, यह बुलडोजर घर को जमी दोज करने के लिए नहीं, यह बुलडोजर तो संपत्ति कुर्क करने के लिए चली है। खैर चली तो है। आपको बताएं कि टुडे बिहार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अब एक्शन दिख रहा है। बिहार से अब वो नेता जो पहले मिल नहीं पाए थे परिवार से, एक एक कर मिलने जा रहे हैं। और इस कड़ी में अगर मैं नाम गिनाऊं तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ओर से एमपी दो दो एमपी गए मुलाकात करने, पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया, परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जमुई के सांसद अरुण भारती और मुजफ्फरपुर से सटे वैशाली की सांसद वीना देवी परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। जब टुडे बिहार न्यूज पर हमने प्रमुखता से खबर दिखाया तो ये बात सियासत में अब दौड़ रही है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसे अपराधियों को सोचना पड़े जो मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाते। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के ओर से भी अब एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है परिजनों से। मायावती की पार्टी भाजपा के राज्यसभा एमपी के साथ साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज
पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है उनके घर पर जाकर। और मैं एक बड़ी खबर आपको दे दूं, पप्पू यादव पूर्णिया के एमपी, वो पप्पू यादव जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए, आवाज उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं, पप्पू यादव भी कल जा रहे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने जा रहे हैं, दर्द पर ना सिर्फ मरहम लगाने जा रहे हैं, बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अब तक कोई बड़ा नेता नहीं गया मिलने। मैं इस वजह से बड़े नेता को ढूंढ रहा हूं कि ये जो बड़े नेता जाते हैं तो उम्मीदें जगती है। भाजपा का एक भी डिप्टी सीएम नहीं गया अभी तक, दो दो डिप्टी सीएम है बिहार में, कोई नहीं गया है। और खैर, जाए ना जाए, सत्ता में हो तो कार्रवाई करो। बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं कलकत्ता कलकत्ता खेलकर। बिहार में जिस तरीके से दलित की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, भाजपा का कोई नेता नहीं गया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कोई नेता नहीं दिखा है। ये जाए भी तो कैसे जाएं, ये जाए भी तो कैसे जाएं, सवाल तो पूछेगी ना जनता। ये बेटियों से आंख नहीं मिला पाते, ये उन राज्यों में कमियां खोजते हैं जहां पर गैर भाजपा की सरकार हो। मतलब ये कि इनके घर में आग लगी है, बुझाने की जरूरत इनको नहीं है, ये पेट्रोल छिड़क रहे हैं पड़ोसी के घर में जाकर। बिहार में बीजेपी के नेताओं के लिए तो विशेष रिपोर्ट आज रात आनी चाहिए, लेकिन ये कल आएगी। अगर भाजपा का कोई दोनों डिप्टी सीएम में कोई डिप्टी सीएम या मंत्री नहीं जाता, तो कल सवाल भाजपाइयों से होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा देते हो, सिर्फ कहते हो कि दलितों का हम सम्मान करना जानते हैं, सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी घिनौना बात बोलने के लिए बैठे रहते हो, या फिर इंसाफ 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 की बात भी करते हो। मुजफ्फरपुर की घटना, पारू में जिस तरीके से एक 14 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप, फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर नुकीले हथियार से वार, इसके अलावे उसके अस्तन काटे गए, गला रेता गया, गर्दन रेता गया, हाथ की कलाई पर धारदार हथियार से प्रहार किए गए। आखिरकार इन सब मामलों में ऐसे मानसिकता के लोगों तक ये संदेश पहुंचनी चाहिए कि नहीं, ये संदेश पहुंचनी चाहिए कि नहीं कि ये दरिंदे, ये हवसी, ये हत्यारे लोग, इन्हें फांसी की सजा मिलेगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि मैं कभी क्राइम पर समझौता नहीं कर सकता, अरे मुख्यमंत्री जी, राजधानी पटना से 70 किलोमीटर दूर, आपके सुशासन वाले राज्य की राजधानी से 70 किलोमीटर दूर 5 गुना कम उम्र 14 साल की एक मासूम बच्ची को दानवों ने नोच खाया है, राजनीति की रोटी सेकेगी आपकी पार्टी पड़ोसी राज्यों के मुद्दे पर, या फिर अपनी बेटियों के इज्जत को भी महफूज रखिएगा? मुख्यमंत्री जी, बिहार में उस मासूम से भी मिलेंगे क्या? आपके दोनों डिप्टी सीएम जाते हैं नहीं जाते, इस पर हमारी नजर है। खैर, पप्पू यादव जा रहे हैं और एक एक नेता ये आवाज उठाएं कि मुजफ्फरपुर की दलित की बेटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, तो इंसाफ पूरा देश मांगेगा। और हमारी आपसे विशेष विनती है, इस वीडियो को साझा कर सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाइए, जाति कार्ड मत खेलिए, सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाइए कि एक दलित की बेटी नहीं, एक गरीब की बेटी है जो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, किसके बल पर लड़ेगी, और वो निर्बल है तो सरकार को आगे आना हो, हमें और आपको आगे आना हो। मुजफ्फरपुर की पुलिस इस बात के लिए
शुक्रिया कहलाने का हकदार है कि पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है, लेकिन पूरा बिहार तब थैंक यू कहेगा जब आप वो कार्रवाई करेंगे जिसकी उम्मीदें सबको है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़िए, वीडियो को साझा कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए और आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहिए। धन्यवाद।